ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक। अब कुछ ऐसी टर्म्स बची हुई हैं जो बुक्स में नहीं लिखी हुई होती है, बट अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं ग्राउटिंग, ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट, अगर आप किसी भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट पे हो या कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हो, तो कभी ना कहीं आपको ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट की जरूरत पड़ जाएगी। भी मैं आपको बताऊंगा ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट होता क्या है। और अभी तो देखो, मैंने आपसे बताया कि मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सारे क्वेश्चंस तब देखूंगा जब मैं अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मैं पहले नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर मैंने पहले देख लिया तो हो सकता है कि मैं अपना सिलेबस लिमिटेड कर दूं, इसलिए मैं पहले भी देख नहीं रहा हूँ। जितने टॉपिक्स मुझे पता है वो मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हो गया ग्राउटिंग, सेकेंड है गनेटिंग, थर्ड वन इज शॉर्ट क्रीट। शॉर्ट क्रीट अगर तीन टर्म्स में लिखूं, ग्राउटिंग, गैनेटिंग एंड शॉर्ट क्रीट, ये तीनों टर्म्स देखो यार, आप देखो एक बात श्योर है, आप लोग पढ़ते हो, बट ये अगर मैं इन तीन टर्म्स की बात करूं तो ये तीन टर्म्स हो सकता है कि आपको नहीं पता है, फिर आप बोलते हो सर सिलेबस के बाहर आया, सब कुछ कॉन्क्रीट के सिलेबस का है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ग्राउटिंग। ग्राउटिंग होता है, सिंपल सी बात है यार, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, मैं आपको एक बहुत बड़े सिचुएशन बताता हूँ। आप किसी चीज से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ध्यान से सुनना, आपकी एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही है, आपकी एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही है, ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है आपकी, और आपने देखा होगा जब बहुत बड़ी मॉल या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनती रहती है तो साइड में क्रेन भी रहती है, क्रोलर साइड में क्रेन भी रहती है, और वो क्रेन ही यहां पर चीजों को लिफ्ट करती है ना, जिस तरीके से साइड में आपकी क्रेन भी रहती है। अब देखना, जब भी आपकी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही होगी तो वहां उसके आसपास क्रेन जरूर होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो सामान लिफ्ट करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कंस्ट्रक्शन में, बहुत सारी चीजें, या मैं बोलूं जैसे मान लो, अब मैंने आपको हुपर बताया था, हुपर जानते हो ना, जैसे बहुत सारी चीजें, स्टील रीइंफोर्समेंट हो गया, तो उठाने के लिए कौन यूज में आता था, क्रेन यूज में आती है। ठीक है जी, आप एक चीज इमेजिन करो, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, ये कॉलम है जो बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ये बीम्स है। अब क्या हुआ, क्रेन जब मूव कर रही थी, क्रेन जब मूव कर रही थी तो क्रेन ने गलती से क्या करा, क्रेन आपकी इस कॉलम पर टकरा गई, और इस क्वेश्चन में आप क्या बोलते हैं, बूम। ये सॉम में भी क्वेश्चन बन जाता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन बन जाता है, बूम किसका पार्ट होता है, तो बूम किसका पार्ट है आपका, क्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो भाई आप क्रेन से सामान को लिफ्ट कर रहे थे, चाहे स्टील रीइंफोर्समेंट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीजें होती है यार, अगर अगर कंस्ट्रक्शन में लगने वाली, अगर आपको मैं मटेरियल बनाने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा है। ठीक, तो हमने पहले करा कि हम किसी सामान को डाल देते हैं, और ये आपका जो कॉलम है, ये वाला ध्यान से देखना, ये जो कॉलम है इसमें आपकी गलती से क्रेन टकरा गई, टकरा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ऑपरेटर का, अगर क्रेन ऑपरेटर का ध्यान इधर उधर रह गया, हो सकता है वो इधर देखने लग गया तो टकरा जाएगी, टकरा जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इस कॉलम को मैं बड़ा करके बना रहा हूँ आपके सामने, ये वाला कॉलम में बाहर निकाल लिया मैंने, ये कॉलम आपको बाहर निकाल लिया मैंने, ब्लू वाला, ये वाला सेफ है ना, ये कॉलम मैंने आपको बाहर निकाल लिया जिसमें क्रेन आपकी टकराई थी। अब हो सकता है जब क्रेन इसमें टकराई, ये आपका आरसीसी का कॉलम है, दिस कॉलम इज आरसीसी कॉलम। भाई एक और चीज मैं कहता हूं, जब आप शटर खोलते हो, अब आप इमेजिन करो जब शटर भी खोला जाता है तो उसमें भी क्रेन यूज होती है, या आप ऐसा हो सकता है, मैं ओनली क्रेन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है कि कॉन्क्रीट जो आपका आरसीसी है, आरसीसी का जो कॉन्क्रीट है, वो किसी दूसरे कारणों से भी डैमेज हो चुका हो। हमने अभी क्रेन को टक्कर मारी है, जब क्रेन को आपसे टक्कर मारोगे तो हो सकता है कि इस कॉलम में क्या आ गए हो, क्रैक्स आ गए हो, और जनरली कंस्ट्रक्शन में क्रैक्स मिल जाते हैं, जनरली कंस्ट्रक्शन में क्रैक्स मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीटिंग आप करते हो, तो हो सकता है थोड़ी सी जगह क्रैक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज ग्राउटिंग, इट इज अ प्रोसेस, ये जो क्रैक कंक्रीट हुआ है, अब आप क्या कॉलम को तोड़ोगे, अब आपको क्या लगता है कॉलम को, अगर मान लो क्रैक्स आ गए तो क्या आप कॉलम को तोड़ दोगे? नहीं जी, कॉलम को तोड़ा नहीं जाता है, कॉलम में जो क्रैक्स आया है उस क्रैक्स को रिपेयर कराया जाता है बाय यूजिंग
grouting, by using grouting. ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई पूछे grouting क्या होता है, it is a process of repair which improve या which removes, it is a process of repair for, ये छोड़ो लैंग्वेज सही नहीं बन रही, it is a process of repair for cracked concrete. जब भी आपका कंक्रीट क्रैक, देखो ऐसा नहीं होता कि कॉलम, यार आप क्या सोच रहे हो कि अगर आपके कॉलम में क्रैक्स आ गए तो आप उसको यूज कर लोगे फॉर लोड बियरिंग, भाई कॉलम में लोड लगेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके कॉलम में क्रैक्स आ चुके हो और क्रैक्स आने के बाद आप उस कॉलम को तोड़ते नहीं हो, उस कॉलम को क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं. कॉलम को जो हम रिपेयर करते हैं उसी कॉलम को या किसी भी कंक्रीट को, इज अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर फॉर क्रैक कंक्रीट. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग. और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राउटिंग बाय फिलिंग अप द क्रैक्स With the help of GP2 mixture, आप पक्का, जो लोग साइट पे हैं वो 100% इस GP2 को जानते होंगे. ये क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म होता है, ड्राई पाउडर फॉर्म होता है, अभी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको. क्रैक्स को, क्रैक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों, क्योंकि इसकी, मान लो हम जो कॉलम बनाते हैं या जो आपके कॉलम वॉलम बने हुए होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा M40, M45, M50, M55 जनरली ये ग्रेड रहती है ना. और जो हमारा GP2 मिक्सचर होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी 75 MPa. कितनी होती है इसकी, 75 MPa. आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको बहुत बड़ा चीज बना देता हूं मैं, जब भी कंक्रीट को हम रिपेयर करते हैं याद रखना, इनके इमेजिन करते हैं कि यहां पर जो कॉलम था वो M45 ग्रेड का था. याद रखना, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, जब भी आपने किसी कॉलम को या किसी भी मेंबर को रिपेयर करना है, इमेजिन करते हैं कि यहां पर अभी हमारे कॉलम है और इसको हमको रिपेयर करना है बाय यूजिंग, भाई इस, ये कॉलम कौन से ग्रेड का बना हुआ है, M45 का, तो कभी भी इसको सेम ग्रेड से नहीं करा जाता. आप कभी भी इसको सेम ग्रेड से इसका क्रैक को रेक्टिफाई या इसको इंप्रूव नहीं कर सकते हो. याद रखना एक थंब रूल है कि अगर मान लो आपका M45 से अगर कॉलम है और ये किसी भी कारणवश अगर इसमें क्रैक्स आ चुके हैं, तो आप इसको सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट से रिपेयर नहीं करोगे. इसमें हमेशा एक थंब रूल है कि इसको आपको हमेशा उसकी ग्रेड आपको बढ़ा देनी चाहिए. इनकेस अगर मान लो भैया किसी कारणवश इसमें हनीकॉम्बिंग आ गई, इसमें हनीकॉम्बिंग, चलो अभी तो हम क्रैक्स की बात कर रहे हैं, अभी भी ग्राउटिंग की बात कर रहा हूं, तो ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट, जो ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट क्या होती है, जो क्रैक्ड पोर्शन होता है, क्रैक्ड पोर्शन को इंप्रूव करने के लिए ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट करते हैं. किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता दूंगा. इसको एक चीज और बोली जाती है इंजेक्शन ग्राउटिंग. ये ध्यान से सुन लेना, ये बुक्स में टॉपिक्स नहीं होते, ये एग्जाम में मिलते हैं डायरेक्ट. यही वो टॉपिक्स है जो आप बोलते हो कि एसएससी जेई का पेपर बाहर से आया है, यही वो टॉपिक्स होते हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलते और उनके क्वेश्चन उठ उठ के एसएससी जेई में आ जाते हैं. ठीक है, ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट क्या बोलते हैं, इंजेक्शन ग्राउटिंग या फिर निप्पल ग्राउटिंग. ये नाम भी नहीं सुने होते लोगों ने, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो लेक्चर्स को देख रहा हूँ बोल दो आपने नाम भी सुने हुए हो. तो जब तक आपने बीएमसी को डीपली नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को डीपली नहीं पढ़ा होगा, ये नाम मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं, आपको पता है. अगर मैं बात करूं शॉर्टक्रीट की, आपको शॉर्टक्रीट भी पता नहीं होगा. क्यों, हम डीपली पढ़ते ही नहीं है. हम तो क्या करते हैं, M5 पढ़ लिया, M10 पढ़ लिया, M15 पढ़ लिया, स्लम कोन टेस्ट पढ़ लिया, थोड़ी बहुत वर्केबिलिटी पढ़ ली, ठीक है जी, थोड़ी बहुत वर्केबिलिटी पढ़ लिया आपने, हो सकता है कि हमने तो कॉन्क्रीट टॉपिक पढ़ लिया. ये नहीं होता, क्योंकि हम कितना ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट है, छोड़ो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोल दिया हमने इंपॉर्टेंट है. अब एक चीज आगे की सुनना, चलो मैं फिर भी आपको चीज आ रहा था, अभी मैं हनीकॉम्बिंग पे आ रहा था. हनीकॉम्बिंग का मतलब आपको पता ही क्या होता है, कि एग्रीगेट दिखने लग जाते हैं थोड़ा सा, वहां से सीमेंट सैंड का जो मोर्टार होता है वो हट जाता है. मान लो कॉन्क्रीट इसका M45 का
ये कॉन्क्रीट किसका था, ये कॉलम आपका किस ग्रेड का था, M45 का, और इनकेस यहाँ पर हनीकॉम्बिंग आएगी तो इसको जो मैं रिपेयर करूंगा ना, कभी भी M45 से रिपेयर नहीं करूंगा, इस ग्रेड को चेंज करके M50 कर दो, हमेशा ग्रेड आपकी क्या बढ़ा होती है, बढ़ा दी जाती है। बट क्रैक्स जो होते हैं, हो सकता है क्रैक्स अंदर तक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हनीकॉम्बिंग जो है उसको तो आप रिपेयर कर दोगे ग्रेड चेंज से, मान लो कॉलम M45 का था, हनीकॉम्बिंग आ गई तो उसकी अगली ग्रेड आपने लेके इसको रिपेयर कर दिया ताकि बॉन्ड अच्छे से बन जाए, ठीक है। बट क्रैक्स तो बहुत माइनर होते हैं, बाल जितने क्रैक्स होते हैं, अगर मैं इस ये देखो कॉन्क्रीट पे ये रहा क्रैक, इस क्रैक पे कॉन्क्रीट कैसे घुसेड़ोगे, इस कॉन्क्रीट में कॉन्क्रीट कैसे यूज करोगे, हनीकॉम्बिंग तो आपने चलो अगली ग्रेड को यूज करके रिपेयर करके छोड़ दिया, हनीकॉम्बिंग आपने कर दिया रिपेयर, और ऐसी बात नहीं, हनीकॉम्बिंग भी GP2 से, हनीकॉम्बिंग भी GP2 से रिपेयर होती है, हनीकॉम्बिंग भी GP2 से रिपेयर होती है। ये क्या होता है आपका ड्राई पाउडर होता है, ड्राई पाउडर, इस ड्राई पाउडर को हम वाटर के साथ ऐड कर देते हैं और ये स्लरी बन जाता है, स्लरी मतलब समझते हो ना, पानी की तरह बन जाता है, मतलब थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप का बन जाता है, ठीक है, स्लरी टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो जो हनीकॉम्बिंग होती है वो भी आप इस नाम को याद रख लो, मैं बता रहा हूँ करंट एग्जाम्स में GP2 के ऊपर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई भी आपसे पूछे GP2 क्या होता है, तो GP2 होता है आपका एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जो कि कंक्रीट के क्रैक्स को या हनीकॉम्बिंग को रिपेयर करने के लिए काम आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यार, BMC मजाक नहीं है कि भाई यहां पढ़ लिया थोड़ा बहुत और BMC हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, मैं यहां पर था, तो क्या होता है यार आपके क्रैक्स जो होते हैं वो होते हैं बहुत माइनर से, बाल जितने क्रैक्स होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, जितने अब हमारे बाल की थिकनेस होती है उतने क्रैक्स होते हैं। अब उसको आप कैसे रिपेयर करोगे, तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या होता है, ग्राउटिंग ऑफ कॉन्क्रीट। अब ध्यान से सुनना, अब ये ग्राउटिंग ऑफ कॉन्क्रीट करी कैसे जाती है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको प्रोसीजर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है जी। होता क्या है, सबसे पहली बात, जो भी आपके क्रैक्स हैं, जो भी आपके क्रैक्स हैं उसमें आप होल्स ड्रिल करोगे बाय यूजिंग ड्रिलिंग मशीन। जो भी आपके क्रैक्स होते हैं, जितने भी आपके क्रैक्स हैं, इन सब क्रैक्स को, इन ये जो भी क्रैक्स हैं, अगर आपके टेढ़े मेढ़े क्रैक्स हैं, जितने भी क्रैक्स हैं, इनके पास ड्रिल मशीन से होल करे जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा हमारा, अगर मैं बात करूं प्रोसीजर इसकी ग्राउंडिंग की, अगर मैं ग्राउंडिंग की प्रोसीजर की बात करूं तो क्या रहेगा, फर्स्ट ड्रिल होल्स नियर टू द क्रैक एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है जी, ड्रिल होल्स नियर टू द क्रैक एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट जो क्रैक एरिया है कॉन्क्रीट का, उसके पास आप पहले ड्रिल मशीन से करके होल करोगे, क्या करोगे जी, होल करोगे, ठीक है। उसके बाद जब आपने होल कर दिए, अब एक और चीज बताता हूं, यहां पर तो आपको दिख रहा है कि भाई क्रैक सीधे सीधे, अगर आपका क्रैक इस तरीके से है, मान लो इस तरीके से, तो आप इस तरीके से भी होल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि होल हमेशा स्ट्रेट ही करने है ना, जैसा क्रैक जा रहा है उस तरीके से हम होल कर रहे हैं, ये मत सोचना कि हमेशा स्ट्रेट ही होंगे, वो तो डिपेंड करता है क्रैक कैसा है आपका, क्रैक के साथ होंगे आप, उसके जस्ट पास में 5 mm 10 mm इससे हम ड्रिल कर देते हैं, ठीक है, ड्रिल होल्स नियर टू द क्रैक एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। उसके बाद आप क्या करोगे, GI के जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसके सिलेंड्रिकल पोर्शंस आते हैं इतने से, मतलब अराउंड 12 mm से लेके 20 mm तक, क्या होता है सिलेंड्रिकल पोर्शन, जानते हो आप सिलेंड्रिकल, GI मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन के आपके सिलेंड्रिकल पोर्शंस होते हैं, उनको जो एक जगह से क्या होता है, अगर मैं कोशिश करूं आपको दिखाने की, इसके वेट करूं, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की, ये देखो जी, ये दिख रहा है आपको, इसके हाथ में ये देख रहे हो आप, ये जो है, ये हैं आपके गैल्वेनाइज्ड आयरन के ये सिलेंड्रिकल पीसेस होते हैं जो इस तरीके से, देखो क्रैक्स जा रहे हैं कॉन्क्रीट के, ये इस जगह इस तरीके से लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये कहानी बताता हूँ, ठीक है। तो GI के सिलेंड्रिकल पीसेस हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने होल्स को ड्रिल कर लिया था बाय यूजिंग ड्रिलिंग मशीन, उसके बाद क्या करें, फिक्स GI सिलेंड्रिकल पीसेस हैविंग एक फेस पे इसकी चूड़ियां होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड्स, ठीक है, हैविंग थ्रेड्स एट वन एंड
हमने क्या करा, जो भी क्रैक्स है यहाँ पे ड्रिल करा था, ड्रिल के बाद हम इसको फिक्स कर देते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल पीसेस होते हैं हम इसको फिक्स कर देते हैं, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे। सबसे पहली बात, इसकी डायमेंशन क्या होती है, 12 mm से लेके 20 mm डायमीटर। ये जो आपके सिलेंड्रिकल पीसेस होते हैं इसकी डायमीटर कितनी होती है, 12 mm से लेके 20 mm, और इसकी लेंथ कितनी होती है आपकी, अराउंड 200 mm, अराउंड कितनी होती है आपकी, 200 mm। भाई 12 mm से 20 mm क्या हो जाती है आपकी, डायमीटर हो गई, और 200 mm जो इसकी लेंथ होती है। तो क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा अराउंड 100 mm इसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है, फिक्स किया है सिलेंड्रिकल पीसेस, ठीक है, आपने लिख लिया। एंड अब एक चीज ध्यान रखना, कितने डिस्टेंस पे करोगे भाई, ये जो आपके दो आपके जो ये जो सिलेंड्रिकल पीसेस है कितने कितने डिस्टेंस पे लाओगे, अराउंड 500 mm से लेके 750 mm तक। एंड फिक्स जीएस सिलेंड्रिकल पीसेस हैविंग थ्रेड्स एट वन एंड, इतना इतना है ना, एंड प्लेस या एंड फिक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ, फिक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 mm टू 750 mm। हम क्या करते हैं, क्रैक्स में जो हमने ड्रिल क्रैक के पास जो हमने ड्रिल कर दिया, हमने उन सबको सारे जीआईपीसी को क्या कर दिया, हमने उसमें फिक्स कर दिया, क्या कर दिया हमने उसमें फिक्स कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, आपने ये आपने सारे फिक्स कर दिए भाई, सारे सिलेंड्रिकल पीसेस जो भी आपने ड्रिल मशीन से बोल रहे थे, सारे पीसेस आपने इसके अंदर लगा दिए, एक एक पीस आपने इसके अंदर लगा दिए, 50 सेंटीमीटर, 500 mm का मतलब क्या होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपने इनको लगा दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जितने भी आपने ये सिलेंड्रिकल पीसेस लगाए, इसको हम सीमेंट मोर्टार से पैक करते हैं भाई, ये ड्रिल करा था, ये छेद करा ड्रिल मशीन से, इसमें सिलेंड्रिकल ये पीसेस लगा दिए, इसका हम इसको क्या करेंगे, सीमेंट मोर्टार से इसको क्या करते हैं, फिक्स, एंड फिक्स and fix all the GI pieces, fix all the GI pieces with the help of richer cement mortar। आपको पता richer का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी थोड़ा ज्यादा होता है, richer, कभी भी आपको सीमेंट या कॉन्क्रीट के साथ richer लिखा हुआ मिल गया तो समझ जाना कि उसमें पानी थोड़ा ज्यादा है, उसकी फ्लो होने की प्रॉपर्टी थोड़ी उसमें ज्यादा रहेगी। इसको लो फटाफट लिखो इसको, ठीक है, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं आपका। हमने कहा था डिस्कस कर लेते हैं, एंड फिक्स ऑल द जीआई पीसेस विद द हेल्प ऑफ रिचर सीमेंट मोर्टार। देखो मोर्टार का मतलब क्या होता है, सीमेंट प्लस सैंड, ठीक है, आपको मोर्टार और कॉन्क्रीट में डिफरेंस है स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे जी हम, ठीक है, हम कहां तक आ गए थे, यहां तक, and fix all the GI pieces with the help of richer cement mortar, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, सारे pieces को cement mortar से fix कर दिया। ध्यान सुनना चीजें, मैं आपको इसलिए ध्यान से बता रहा हूँ क्योंकि जब कल को साइट पे जाओगे ना आप लोग तो ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखो क्रैक्स आ जाते हैं कॉन्क्रीट में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्क्रीट में क्रैक्स चलने ही दें, हम उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है जी, उसका ध्यान से देखना। अब आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया था, इसके बाद नाउ क्लीन All the GI pieces with water, हम पानी से साफ करेंगे, हम क्या करेंगे, पानी उन सब पे मारेंगे, किस पे, जितने भी GI pieces सब पे पानी से पाइप लगा के पानी साफ करेंगे और पानी को इसके अंदर फ्लो करेंगे GI pieces के अंदर, ताकि जो भी थोड़ा सा लूज आपका सीमेंट वीमेंट है वो सारा का सारा बाहर आ जाए। Now clean all the GI pieces with water and stop the process and stop the process when clean water, जब आपने GI pieces में पानी लगाया, ये GI pieces आपने पानी लगाया तो थोड़ा वो सीमेंट निकलेगा, जब आप क्लीन वाटर बाहर आना चालू हो जाए ना इन पीसेस के अंदर से, जब इन पीसेस के अंदर से क्लीन वाटर आ जाए ना आपका बाहर आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्लीन वाटर आने के बाद हम इस पानी का सिस्टम जो प्रोसेस है वो रोक देंगे। स्टॉप द प्रोसेस व्हेन क्लीन वाटर रिटर्न्स From the GI pieces, ठीक है भाई। अब आपने क्या करा, अब आपने एक चीज ध्यान रखना, ये जो richer cement mortar है इसमें हम एक दो दिन का टाइम लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में चालू कर दिया, ये मत सोचना कि अभी सीमेंट मोर्टार मारा और अभी पानी से धोना चालू कर दिया, आप इसको एक दो दिन रुक जाते हो ताकि सीमेंट मोर्टार थोड़ा उसका पगड़ बना रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए होगा एक हाइड्रोलिक या कोई आपने मोटर इलेक्ट्रिक मोटर ले ली, ठीक है, हम ये सकते इलेक्ट्रिक मोटर ले लेते हैं। नाउ
electric motor connected with injection. क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसमें से पाइप निकला हुआ होता है या हाइड्रोलिक पंप ले लो आप, ठीक है, इसमें से क्या होता है हाइड्रोलिक पंप तो कम यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा यूज होती है भाई, आपने सब कुछ साफ कर दिया, अब हमारा काम क्या है, नाउ इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड विद इंजेक्शन या फिर कनेक्टेड विद इंजेक्शन लिखो इसको, कनेक्टेड विद इंजेक्शन क्या होता है, मोटर है आपकी, मोटर में से पाइप निकला रहता है, एक ये स्टील रॉड सी होती है जो कि इसके डायमीटर के बराबर ही होती है, कितना 12 इंच से लेके होलो सेक्शन होता है स्टील का, ये मोटर से आपने होलो से पाइप निकला हुआ है, मोटर से पाइप निकला रहता है, पाइप से ये स्टील समथिंग इतना ये इतना होता है इसकी लेंथ, मैंने तो अपने हाथों से देखा है इसको, इसकी लेंथ आप मान लो अराउंड 50 सेंटीमीटर मान सकते हो, इसकी डायमीटर कितनी होगी आपकी 25 लेते हैं 25 सेंटीमीटर, क्या होता है कि अब ये जो हमारा इसको हम क्या बोलते हैं इंजेक्शन, इसलिए इसका नाम मैंने लिखा था इंजेक्शन ग्राउंडिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं इंजेक्शन, क्या अगर आपने मोटर का जो पाइप था पाइप से आपने वाले कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, नाउ प्रिपेयर GP2 विद वॉटर, वही मोटर थी, मोटर में आपका कंप्रेसर वंप्रेसर सब लगा देता है, वो ज्यादा हमारा काम का नहीं है, नाउ प्रिपेयर GP2 क्या होता है, एक पैकेट में आता है उसमें हमें पानी मिलाना पड़ता है, ठीक है, एक पाउडर फॉर्म में होता है आपका, नाउ प्रिपेयर एक डार्क ग्रेश कलर का होता है आपका, ठीक है, नाउ प्रिपेयर GP2 विद वॉटर इन लिक्विड स्टेट, ये पानी की फॉर्म में रहता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो इस मोटर के बीच में कंटेनर बना हुआ होगा, एक इसके बीच में कंटेनर भी बना होता है जिसमें हम इस सीमेंट पेस्ट को या फिर GP2 पेस्ट को इसके अंदर डालते हैं, आपने जो भी GP2 बनाया पानी के साथ इसको ऐड कर दो, हर एक GP2 में अमाउंट लिखा रहता है कि कितना वेट ऑफ GP2 है और उसके साथ आपको कितना पानी ऐड करना है ना, उसके पैकेट में लिखा हुआ रहता है, पैकेट भी देखा है मैंने तो, पैकेट भी यूज करा हुआ है, तो GP2 के साथ आप क्या करोगे उसके वाटर कंटेंट देख लोगे कितना पानी आपको उसमें ऐड करना है, हर एक अलग अलग होगा, ठीक है, इसकी बहुत अच्छी कंपनी भी थी, मैं इस कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, आपने पानी में भरा और इस कंटेनर के अंदर आपने डाल दिया, अब क्या होगा जैसे मोटर चालू होगी इस कंटेनर से, आपके इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर आपका GP2 विद वाटर है लिक्विड फॉर्म में, वो इस आप क्या करोगे आप उस इंजेक्शन को लोगे, अब यहां से देख रहा हूं उस इंजेक्शन को ले लिया आपने और ये जितने भी सिलेंड्रिकल है, जैसे सिलेंड्रिकल निकले हुए हैं ना, जैसे सिलेंड्रिकल पोर्शन निकला हुआ है, इंजेक्शन इसमें लगाया और GP2 का फ्लो चालू करा, इंजेक्शन आपने लगाया और GP2 का फ्लो अपना चालू करा, तो GP2 इस कंटेनर से अंदर होते हुए ये जो आपका स्टील ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन से ये आपका होते हुए क्या होगा इन GI पीसेस के अंदर जाता है, अभी आपको कब तक करना है, जब तक वो रिटर्न नहीं आ जाता, भाई मैंने इसमें लगाया इंजेक्शन है, अब मैं कैसे बताऊं आपको, ये रहा इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन इसमें लगाया, मोटर चालू करी, ये अंदर आपका जो GP2 सॉल्यूशन है ये अंदर जाना चालू हो जाता है GI पीसेस के थ्रू, अंदर जाते जाते आता है, जब तक वो रिटर्न नहीं आ जाए दैट मींस GP2 सॉल्यूशन आपका जब तक भर रहा है उसको भरते रहने दो, इस तरीके से हम सारे पीसेस पर लगाएंगे और आपका GP2 भरते रहेंगे, जब वो हर जगह से रिटर्न होने लग जाए, दैट मींस जब GP2 आपका हर GI पीसेस में से बाहर निकलने लग जाए, GP2 सॉल्यूशन जो होता है, तो आप समझ जाना कि आपका क्रैक पूरी तरीके से भर चुका है, क्या हो चुका है आपका सीमेंट पूरी तरीके से, मतलब आपका जो क्रैक है वो अंदर GP2 से अच्छी तरीके से भर चुका है, तो उसका नाम क्या करेंगे, नाउ प्रिपेयर GP2 विद वाटर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, एंड नाउ कनेक्ट, ये पूरा मिटा दूंगा आपका, ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, उसने एक बार जब से एग्जाम में बोले ना डिस्क्राइब ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट, तो आप जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो ना उन स्टैंडर्ड बुक्स में भी ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट का टॉपिक देके नहीं रखा हुआ है, स्पेशली ध्यान रखना है, मैंने अगर आपको बोला है कि मैं आपके BMC के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो हवा में नहीं बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है, क्योंकि मुझे इन टॉपिक्स के नाम भी पता नहीं होते लोगों को, शॉर्टक्रीट क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग तो फिर भी चलो पता होता है थोड़ा बहुत, बट ग्राउटिंग और शॉर्टक्रीट के बारे में लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि बताओ शॉर्टक्रीट क्या होता है ना, शॉर्टक्रीट सुनाई नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये चीजों को ध्यान से पढ़ लो, और मैं आपको फिर एक चीज बोलता हूँ, इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं BMC MC, मैंने आपको SOM भी इस तरीके से डील करी, FM भी इस तरीके से डील करी है, RCC भी इस तरीके से डील करी है ना, हर सब्जेक्ट आपको इसी तरीके से डील करना है, ये नहीं कि भाई नहीं करना है, ठीक है, अब एक चीज यहां से देखना, नाउ प्रिपेयर GP2 विद वाटर, ये हमारा हो गया था, नाउ कनेक्ट इंजेक्शन विद द GI पीसेस, नाउ कनेक्ट इंजेक्शन विद द GI पीसेस, इंजेक्शन GI पीसेस में लगा दिया एंड स्टार्ट
flow and start flow GP2 in the cracks. Continue this process till the solution returns from the GI pieces. ये GI pieces अगर 200 mm के तो 100 mm अंदर चल जाता है, 100 mm इसका बाहर निकाल देता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखो ध्यान से, अब आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ये देखो जी, ये देखो बाहर निकले हुए, ये निकले हुए ना बाहर आपके, ठीक है ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आपने क्या कर दिया, सबने अपन GP2 सॉल्यूशन सबने भर दिया, तो अभी भी ये GI पीसेस बाहर निकले हुए होते हैं, बाहर निकले हुए रहेंगे, क्या होंगे ये जीपी, ये जो आपने GI पीसेस लगाए थे ये बाहर निकले हुए रहते हैं, अभी बाहर निकले हुए रहते हैं, आपने भाई क्रैक्स तो भर दी GP2 से। नाउ अब हम इसको रिमूव करते हैं, हथौड़े मार मार के आप इसको तोड़ सकते हो। आपने ये जो GI पीसेस लगाए थे आपने ग्राउटिंग कर दी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग। ये GP2 जो हमने इसके अंदर फिल कर दिया, ये GP2 जो आपने इसके अंदर फिल करा है, क्यों फिल करा है, क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए फिल करा है ना। तो जैसे ही आपने GP2 को इसके अंदर फिल कर दिया, और आपका एक दिन बाद फिर आप इसको क्या करते हो, इसको तोड़ देते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम इसको तोड़ देते हैं, हथौड़ा मार मार के हम इसको तोड़ देते हैं। नाउ रिमूव एक्सेस पोर्शन ऑफ, नाउ रिमूव एक्सेस पोर्शन ऑफ GI पीसेस बाय यूजिंग हैमर, हैमर से तोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बाय यूजिंग हैमर। अब क्या होगा, जब आप तोड़ दोगे तो ये छोटे छोटे से होल्स बने हुए रहेंगे भाई, आप जब तोड़ोगे छोटे छोटे से होल्स बने रहेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, सीमेंट मोर्टार से रिपेयर कर देते हैं, सीमेंट मोर्टार से कवर कर देते हैं, एंड कवर ऑल द होल्स विद द हेल्प ऑफ सीमेंट मोर्टार। आपने अगर जो होल्स थे वो आपने क्या कर दिया, सीमेंट मोर्टार से इसको कवर कर दिया, पूरा आपने इसको कवर कर दिया। अब आपने कवर कर दिया, अब इसका आखिरी स्टेप क्या होगा, आप इसकी क्योरिंग भी करोगे, आप इसे कवर कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी करेंगे नाउ स्टार्ट क्योरिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट ऑफ द सीमेंट मोर्टार फॉर एटलीस्ट 7 to 10 days। अब आप क्या करोगे भाई, होल्स थे आपने हैमर से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तोड़ने के बाद हम इसको सीमेंट मोर्टार से रिपेयर करेंगे, इसको भर देंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसकी क्योरिंग करेंगे। ये पूरा होता है आपका ग्राउटिंग प्रोसेस। ग्राउटिंग प्रोसेस का आपको समझ में आएगा कि जब भी क्रैक्स होंगे कॉन्क्रीट में तो हम ग्राउटिंग से उसको इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद हम चालू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप लिख लो, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रेडिंग, शॉर्टक्रीट, और हम अपना और आगे का टॉपिक लेके चलते हैं।